हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नो असाइनमेंट गुरु। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इग्नो के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, पहली अपडेट जो है वो है आपके ग्रेड कार्ड से रिलेटेड, एंड गाइस सेकंड अपडेट जो है वो है आपके रिवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट से रिलेटेड, एंड जो थर्ड आपकी अपडेट है वो है आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही गाइस हमारा चैनल इग्नो असाइनमेंट गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड गाइस साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिले। तो गाइस सबसे पहले आपको इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। गाइस ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड यहाँ पे देखिए गाइस एक लिंक आया हुआ है, इग्नो डिक्लेयर टर्म एंड रिजल्ट एंड ग्रेड कार्ड फॉर जून 2019। सो गाइस आपको इसको ओपन करना है। गाइस इसको ओपन करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं, आप सबसे पहला ऑप्शन आपका टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का, उसके नीचे आप देख सकते हैं ग्रेड कार्ड लिखा हुआ है। सो गाइस ग्रेड कार्ड में सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। गाइस बीसी एमसी एमपी एमपीबी के लिए आपको सबसे पहला लिंक सेलेक्ट करना है, बीए बीडीपी बीकॉम बीएससी के लिए आपको दूसरा, एंड अदर प्रोग्राम्स के लिए आपको थर्ड वाला। तो इस टाइम गाइस मैं आपको बीडीपी यानी कि बीए का एक ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए मैं बीए का ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे देखिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो चलिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। चलिए गाइस मैं अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है। चलिए गाइस मैं आपको एनरोलमेंट नंबर टाइप करके दिखा देता हूँ। गाइस उसके बाद जो है आपको एनरोलमेंट नंबर टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे सबमिट लिखा है, आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है। गाइस जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए आपको जो है ग्रेड कार्ड अपडेट हो चुका है, एंड गाइस खुल भी चुका है। यहाँ पे सारे मेरे नंबर जो है लग चुके हैं, सारे असाइनमेंट के जितने मैंने असाइनमेंट सबमिट किए थे उन सबके नंबर जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं टर्म एंड थ्योरी यहाँ पे सारे नंबर जो है मेरे को शो हो रहे हैं, एंड गाइस सारे स्टेटस भी मेरा शो हो रहा है। एंड गाइस आपको बता दूं अब जो है ग्रेड कार्ड अपडेट होना शुरू हो गया है। सो गाइस अगर आपका पहले ग्रेड कार्ड अपडेट नहीं था सो गाइस आप जो है अब जाके चेक कर सकते हैं। गाइस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट टी यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2019। सो गाइस इसको जो है आप ओपन कर लीजिएगा। गाइस तो आज आपको बता दूं अब जो है आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं गाइस अपने रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मंगाने का। गाइस अब आपको रीजन सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस आप सिंपली गाइस यहां से जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, एंड गाइस यहां पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है एंड आई एग्री पे क्लिक करना है। गाइस उसके बाद जो है आपको सिंपली एनरोलमेंट नंबर डाल के प्रोग्राम कोड डाल के लॉग इन करके आपको ये सिलेक्ट करना है कौन से सब्जेक्ट जो है आपको रिवैल्यूएशन या फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट चाहिए। उसके बाद जो है आपको सिंपली फी पे करनी होगी जितनी भी आपकी फी लगेंगी, एंड उसके बाद जो है आपका सिंपली अप्लाई हो जाएगा। अगर गाइज आपको इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो देखनी है पूरी, सो गाइज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बनाई हुई है गाइज, उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके सिंपली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। गाइज लास्ट अपडेट जो है वो है आपकी ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड। सो गाइज मैं आपको बता दूं अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गाइज एडमिशन की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। सो गाइज अब जो है आप सिंपली अपने 27 अगस्त तक सिंपली इग्नू में अपने एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। गाइज आपको बिना परेशानी के आप भर सकते हैं, कोई भी आपको लेट फी जो है पे नहीं करनी होगी। आई होप गाइज आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे से आप जो है सोल असाइनमेंट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।